हुआ किको? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? मेयर अंकल, मुझे चाइना से किसी का लेटर आया है, उसी को पढ़ने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। ये लो, सन सिटी के हीरो को एक सिंपल लेटर पढ़ना भी नहीं आता। लाओ इधर। ये तो चाइनीज में लिखा है और मुझे चाइनीज सिर्फ खाना आता है, पढ़ना नहीं। गधा हमेशा घास चरता है, चूनी बॉस ढेचू ढेचू करता है। दरवाजे में पड़ी नॉक को हिंदी में खटखट कहते हैं। इम्पॉसिबल काम को जो पॉसिबल बनाए उसे जासूस झटपट कहते हैं। लाओ इधर, मैं पढ़ता हूँ। ये लेटर चाइना के बहुत बड़े कुंफू गुरु मास्टर ली ने किको के लिए लिखा है और किको से मदद मांगी है। क्या मास्टर ली को किको की मदद चाहिए? पर वो तो खुद कुंफू के बहुत बड़े गुरु है। दो वर्ड्स में कहूँ तो वर्ल्ड फेमस से भी ज्यादा फेमस, वेरी वेरी फेमस, यूनिवर्स फेमस, बिल्कुल मेरी भूख की तरह। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। मास्टर ली का तो चाइना में एक बहुत बड़ा कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, तो उन्हें मेरी क्या जरूरत? लगता है अब इन सभी सवालों का जवाब चाइना जाकर ही मिलेगा। ये स्टूडेंट से इधर का पीस को फीस फीस क्यों कर रहे जी? ये कर क्या रहे हैं आप लोग? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हाँ, अभी पता चल जाएगा। मुझे सूझा दिया, अब मैं खाऊंगा कैसे? आप लोगों ने डोडो को क्यों मारा? अभी के अभी आप सब एक वर्ड में डोडो को कहेंगे सॉरी। सॉरी हम नहीं, बल्कि अब तुम कहोगी। बच्चे, बुढ़े और गर्ल्स पर कभी हाथ पैर नहीं उठाना चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट से उलझने की? गुड मॉर्निंग मास्टर डैंग, पर फाइट मैंने शुरू नहीं की थी। करेक्ट, फाइट आपके स्टूडेंट्स ने शुरू की थी। फिर किको ने जो किया उसे दो वर्ड्स में कहते हैं दी एंड। दी एंड से भी ज्यादा एंड, बड़ा वाला दी एंड। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। हम यहाँ मास्टर ली से मिलने आए हैं, ये उन्हीं का कुंग फू सेंटर है, क्यों है ना? है नहीं, था। अब ये मेरा यानी मास्टर डैंग का कुंग फू सेंटर है। तो मास्टर ली कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। और इससे पहले कि तुम लोग भी दुनिया वालों के लिए लापता हो जाओ, निकल लो यहाँ से। सॉरी मास्टर डैंग, मगर हम मास्टर ली से बिना मिले तो नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। ठीक है किको, तो तुम्हारा ही तरीका अपनाते हैं। तुम मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीते तो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम अपने दोस्तों को लेके यहाँ से अभी के अभी निकल जाओगे। बोलो मंजूर है शर्त? शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फाइट ना ही करे तो बेहतर होगा। हाथ जोड़ने के लिए नहीं, अटैक करने के लिए उठाना चाहिए। हाँ, मगर अपने से कमजोर पर हाथ उठाना रॉन्ग है। और आप हमेशा याद रखेगा कि किको फाइट्स फॉर द राइट। किको, लड़ाई कभी बातों से नहीं बल्कि हिम्मत से लड़के जीती जाती है।
अभी पता चल जाएगा कि तुम में कितनी हिम्मत है। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। में तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन अब देखते हैं मेरे कुंग-फू के स्पेशल स्टाइल का तुम कैसे सामना करते हो। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैंग यही सबक सिखाता है। क्यों नहीं बुलाते? नहीं मेयर अंकल, ये असली ईगल्स हैं। सुपर स्पीडो के आने से इन्हें चोट लग सकती है और मैं नहीं चाहता इन बर्ड्स को चोट लगे। और वैसे भी ये लड़ाई मेरी है, इसीलिए मुझे अकेले ही इसका सामना करना होगा। ले जाओ इस बच्चे को यहां से और दोबारा यहां कभी नजर मत आना। वाह मास्टर डैंग, मान गए आपको, आपने तो किको को भी हरा दिया। सही कहा मार्शल, मास्टर ली से मैंने जो ये ईगल्स के ऊपर जंप करके फाइट करने की स्पेशल टेक्निक सीखी है, इसमें मुझे कोई भी नहीं हरा सकता सिवाय खुद मास्टर ली के। मगर मास्टर ली तो खुद बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब वो क्या लड़ेंगे आपसे? वो खुद तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो इस टेक्निक को किसी और को सिखा तो सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो ये टेक्निक किसी और को सिखाए, इसीलिए मैंने तुमसे मास्टर ली को ठिकाने लगाने को कहा था। अयो यकीन नहीं होता कि फाइट में किको को कोई हरा भी सकते। टेम्पो अन्ना, वो बहुत ही स्पेशल टेक्निक थी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी मास्टर ली को ढूंढना है। मुझे लगता है वो जरूर किसी मुसीबत में है, मगर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? यहाँ ये देखो, इंटरनेट पे मास्टर ली के घर का एड्रेस है। वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास जो गाँव है ना, वही उनका घर है। चलो फिर वही चलते हैं, अब वही से मास्टर ली के बारे में पता चलेगा। मॉर्निंग, क्या ये मास्टर ली का गांव है? हाँ, मगर अब वो यहाँ नहीं रहते। वैसे आप लोग हैं कौन और मास्टर ली को क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरा नाम किको है और मैं सन सिटी से आया हूँ। तुम ही किको हो? मास्टर ली ने कहा था कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। क्या आप जानते हैं मास्टर ली कहाँ है? एक मिनट, हम अभी तुमको मास्टर ली से मिलवाते हैं। मिलवाते हैं? मतलब आपने हमसे झूठ कहा कि मास्टर ली यहाँ नहीं रहते? क्योंकि हमें लगा कि आप लोगों को मास्टर डैंग ने भेजा है। वो काफी दिनों से मास्टर ली के पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सके। पर मास्टर ली इस वक्त है कहाँ? मास्टर ली को मास्टर डैंग से बचाने के लिए हम उन्हें कुएं में छुपा के रखते हैं।
मॉर्निंग मास्टर ली। ये सब क्या है और वो चिट्ठी? मैंने ही भेजी थी किको। मैं अपना खुद का कुंग फू ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, जहां मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह के कुंग फू सिखाता था। वहां एक मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, मास्टर डैंग। और फिर उसके बाद मास्टर डैंग ने मुझे मेरे ही ट्रेनिंग सेंटर से निकालकर खुद वहां पर कब्जा कर लिया। अब वो छोटे छोटे बच्चों को गलत सीख दे रहा है कि वो कमजोरों को डराए और उन पर वार करे, जैसे उन्होंने डोडो पर वार किया था। सीमेंट की मजबूती और फूलों की ब्यूटी को चखने के लिए छिपकली की गली जाना जरूरी है। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि आप तो कुंग फू के गुरु हैं, फिर आप मास्टर डैंग से लड़े क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं कुंग फू सिखा तो सकता हूँ, लेकिन खुद लड़ नहीं सकता। किको, मास्टर डैंग अपनी गैंग बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। मास्टर डैंग से लड़ने के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम्हें मास्टर डैंग को कुंग फू में हराना होगा। लेकिन मास्टर ली, मैं मास्टर डैंग की वो ईगल फाइट वाली टेक्निक का सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे वो नहीं आता। ईगल फाइट टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगा किको, लेकिन तुम्हें मास्टर डैंग को सिर्फ हराना ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसका घमंड भी तोड़ना है। कुछ दिनों बाद मास्टर डैंग एक बहुत बड़ा कुंग फू कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसमें फाइटर्स एक दूसरे से फाइट करेंगे और जो उसे जीतेगा उसे मास्टर डैंग से लड़ना होगा। अयो अयो, अयो यकीन नहीं होता कि कीको को भी फाइट सीखने की जरूरत है। वो चीज जिसका कोई एंड नहीं है उसे एक वर्ड में कहते हैं लर्निंग। सही कहा ट्विंकल। मास्टर ली, आप प्लीज मुझे सिखाइए। लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए मुझे वो स्पेशली ट्रेंड ईगल्स चाहिए, जो कि अब मास्टर डैंग के कब्जे में है। नो प्रॉब्लम मास्टर ली, ईगल्स का अरेंजमेंट अभी हो जाएगा। हा? रफ्तार पे रफ्तार R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। बड़ी फॉर्मूला 222 एक्टिवेट करके मैं अभी रोबोटिक ईगल्स बनाता हूँ। किको, अब तुम इन उड़ते हुए ईगल्स पर जंप करके एक पैर पर खड़े रहने की कोशिश करो। कोई बात नहीं किको, फिर से कोशिश करो। मास्टर ली, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब किको, तुम्हें दूसरे तरीके से सीखना होगा। किको, सबसे पहले तुम अपने दोनों पैरों के अंगूठों पर यूं खड़े रहने की प्रैक्टिस करना और फिर जंप करके अंगूठे पर ही लैंड करना। किको, ध्यान लगाओ, तुम्हारा माइंड और बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, बिल्कुल इस पंख की तरह हल्के फुल्के। और साथ में याद रखना कि ईगल्स जब लेफ्ट टर्न लेते हैं तब तुम्हें उनके राइट वाले विंग पर लैंड करना होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। आप सही कह रहे हैं मास्टर ली, मुझे मेडिटेट करने की जरूरत है। हाँ?
किको, तुमने ईगल फाइट टेक्निक काफी अच्छी तरह से सीख ली है। अब मैं तुम्हें एक जरूरी पैंतरा सिखाऊंगा। मास्टर डैंग से फाइट के वक्त तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मास्टर डैंग से फाइट के वक्त हो सकता है कि तुम्हें अपनी आंखों की बजाय कानों पर डिपेंड करना पड़े। उस वक्त तुम्हें मास्टर डैंग के सांसों की आवाज सुननी है और अटैक करना है। प्रैक्टिस के लिए अब इन घुंघरों की आवाज पर ध्यान दो। अब तुम मास्टर डैंग से फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ दुनिया भर से आए कुंग फू फाइटर्स एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर लास्ट में जो जीतेगा उसे ये चैंपियनशिप जीतने के लिए मुझसे फाइट करना होगा। मास्टर ली, आज आपने मेरे सामने आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कमजोर को डराता है, स्ट्रॉन्ग को मारता है। मास्टर डैन यही सबक सिखाता है। गलती किसने की है ये अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। किको, मेरा ट्रेनिंग सेंटर मास्टर डैंग का घमंड तोड़ना, कुंग फू आर्ट का सही इस्तेमाल लोगों को दिखाना, आज सब तुम्हारे हाथों में है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकूं। जो कि इतना आसान नहीं होगा। Huh?
किको को ईगल फाइट बहुत अच्छे से सिखा दी है। अब देखता हूँ मेरे अगले खतरनाक वार को कैसे सहता है। दिखाई ना दे तो अपने कानों पर भरोसा करना चाहिए। लगता है अब मेरी ओ की कटाई मां ही गया है। फुटबॉल के मैच में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए गोलकीपर ने सारे स्विमर्स को बोल्ड कर दिया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। और इसी के साथ किको ने मास्टर डैंग को हराते हुए ये कुंग फू वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। सॉरी मास्टर ली, मास्टर डैंग के बहकावे में आकर हमने कुंग फू का गलत इस्तेमाल किया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बच्चों, गलती तो इंसानों से ही होती है, मगर अच्छा इंसान वही है जो कि अपनी गलती को जानते ही उसे सुधार ले। मास्टर ली, मास्टर ली।